वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमें ये मालूम हो चुका है कि भूख के मुताबिक हमारी गिजा या हमारी खुराक कम या ज्यादा होती रहती है। प्यारे बच्चों, आप मुझे ये बताइए कि अगर आपकी अम्मी रोजाना एक ही किस्म का खाना पकाएं, तो क्या आप उसे रगबत से खाएंगे? बिल्कुल नहीं खाएंगे, क्योंकि एक ही किस्म का खाना खाने से हम बेजार हो जाते हैं। इसीलिए आपकी अम्मी रोजाना खाने बदल बदल कर पकाती हैं, ताकि आप बेजार ना हो और घर के तमाम अफराद रगबत से खाना खा लें। प्यारे बच्चों, तो ये हुआ गिजाई अशिया में तनव्वो, यानी के अलग अलग किस्म की गिजाई अशिया। जिस तरह हम घर में अलग अलग किस्म के खाने खाते हैं, इसी तरीके से हमारे मुल्क के अलग अलग हिस्सों में भी गिजाई अशिया में तनव्वो पाया जाता है। मसलन जहाँ चावल की काश्त होती है, वहाँ के लोग चावल को अपनी गिजा में शामिल करते हैं। जिस इलाके में ज्वार बाजरा होते हैं, वहाँ के लोग रोटी को इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ गेहूँ की पैदावार होती है, वहाँ के लोग अपनी गिजा में चपाती को शामिल करते हैं। प्यारे बच्चों, इसी तरह समुन्दर के किनारे रहने वालों को मछलियाँ बा आसानी मिल जाती है, इसलिए इनकी गिजा में मछलियों को शामिल किया जाता है। मसलन कोकण के इलाके जो के समंदर के किनारे वाके हैं, इसलिए वहाँ पर लोगों की गिजा में मछली को शामिल किया जाता है। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि साल भर मौसम के लिहाज से अलग अलग किस्म की सब्जियाँ और फल आते हैं? इस बिना पर हम हमारे खुराक में वक्त के लिहाज से तब्दीली भी लाते हैं। मसलन कभी हम सर्दी में आने वाली फसलों को या सब्जियों को बनाते हैं, कभी हम गर्मी में आने वाली सब्जियों को बनाते हैं। इस तरह मौसम के लिहाज से भी हमारी गिजा में तनव्वो पाया जाता है। प्यारे बच्चों, इसी तरह जब हमारे घर में कोई तकरीब हो, तो क्या हम वही खाना बनाते हैं जो हम रोज बनाते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि घर में कुछ मुख्तलिफ पकवान होते हैं जो कि सिर्फ खासुल खास तकरीब के मौका पर ही बनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, इसी तरह जब त्योहार होते हैं, तो त्योहारों पर भी मखसूस खाने बनाए जाते हैं, मीठे खाने बनाए जाते हैं और अलग अलग किस्म के पकवान बनाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी गिजाई अशिया में वक्त और हालात के लिहाज से तनव्वो पाया जाता है।